और ज्वाइनिंग बोनस क्या है, कॉग्निजन में जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमें कितने रुपए दिए जाएंगे, या फिर हमें क्या वो किट आएगा, किट के साथ हमें क्या गुडीज़ प्रोवाइड किया जाएगा कॉग्निजन की तरफ से, या फिर क्या हमें लैपटॉप प्रोवाइड किया जाएगा, मैकबुक क्या हमें प्रोवाइड किया जाएगा, अगर मेरा AI डोमेन नहीं है तो मुझे क्या मैकबुक प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, या फिर HP का एलीट बुक आएगा। तो इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करने जा रहे हैं कि कॉग्निजन में अगर आप ज्वाइन करते हैं एज अ प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी तो आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, क्या आपका जो ज्वाइनिंग बोनस कुछ प्रोवाइड किया जाएगा एज़ कम्पेयर टू दूसरे कंपनीज, या फिर आपको जो वेलकम किट रहेगा उसमें क्या आपका इंक्लूड रहेगा, क्या क्या कौन से कंपनी का आपका लैपटॉप आएगा, ईच एंड एवरीथिंग आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश और आप देख रहे हैं अविनाश झा यूट्यूब चैनल। तो मेरा मिशन है कि मैं आप तक क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करूँ, प्लेसमेंट गाइडेंस वीडियो आपको आपके सामने लेके आऊँ, और साथ ही साथ अगर आपका कोई भी MNCs में इंटरव्यू हो रहा है या फिर आपका प्लेसमेंट हो चुका है तो अगर आपको जॉइनिंग रिलेटेड कुछ भी डिफिकल्टीज है तो आप मेरे तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसके रिलेटेड मैं वीडियोस बनाऊँ, साथ ही साथ मैं प्लेसमेंट गाइडेंस के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, मैं करियर काउंसलिंग भी करता हूँ। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरा ये विजन पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरा ये वीडियोज़ पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे मुझे बहुत खुशी होगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आपको पता होगा कि जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है, आपका ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट हो जाता है, तो बहुत डाउट्स होंगे कि आपका आपका हो सकता है कोई भी फ्रेंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ज्वाइन किया हो, अमेजॉन सॉफ्ट फ्लिपकार्ट हो सकता है, कुछ भी कोई अच्छे MNCs में ज्वाइन किया जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, उनको कुछ गुडीज़ प्रोवाइड किया हो गया हो कंपनी की तरफ से, या फिर कुछ ज्वाइनिंग बोनस दिया गया हो, तो आपके मन में ये डाउट होता होगा कि क्या हमें कॉग्निजन प्रोवाइड करेगा ये सब चीज़, या हमें कुछ ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा एज़ कम्पेयर टू कुछ प्रोडक्ट बेस्ड MNCs या फिर कोई सर्विस बेस्ड MNCs भी प्रोवाइड करती है ज्वाइनिंग बोनस। तो देखिए, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको कोई ज्वाइनिंग बोनस इन द फॉर्म ऑफ मनी आपको कहीं नहीं मिलने वाला है कॉग्निजन में एज अ फ्रेशर्स। हाँ, आपका अगर एक्सपीरियंस है, आप 2 साल 3 साल स्विच करने के बाद कॉग्निजन में ज्वाइन कर रहे हैं, उस बेसिस पे आपको ज्वाइनिंग बोनस प्रोवाइड किया जाता है, बट इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपीरियंस, राइट? आपके एक्सपीरियंस के ऊपर ये डिपेंड करता है। बट एज अ फ्रेशर्स जब आप ज्वाइन करते हैं कॉग्निजेंट एज अ प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनिंग, या फिर प्रोग्रामर एनालिस्ट जो जेंसी नेक्स्ट से ज्वाइन करते हैं, प्रोग्रामर एनालिस्ट या फिर जेंसी प्रो से जो हायर करते हैं, या फिर जेंसी एलिवेट से जो हायर होते हैं, तो कोई भी आप प्रोग्राम से ज्वाइन कर रहे हैं कॉग्निजेंट एज अ फ्रेशर, तो आपको कोई ज्वाइनिंग बोनस नहीं प्रोवाइड किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कैश। ये आपको तभी प्रोवाइड किया जाएगा जब आपका कोई एक्सपीरियंस है, आप एक्सपीरियंस करने के बाद कॉग्निजेंट में स्विच कर रहे हैं, राइट? तो ये तो रहा पहला डाउट आपका। अब सेकेंड डाउट आपका ये रहता है कि भैया मुझे कौन सी लैपटॉप प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे इंस्टाग्राम में ये मैसेज करके पूछते हैं कि भैया आपका AI8 डोमेन है तो क्या आपको मैकबुक प्रोवाइड किया गया है, आपका हमें क्या लैपटॉप प्रोवाइड किया जाएगा कॉग्निजेंट की तरफ से, राइट? तो देखिए, पहले तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों का AI8 डोमेन रहता है, AI8 डोमेन क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स, इसके भीतर सब ब्रांचेस आते हैं, जैसे बिग डेटा हो गया, या फिर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग, ये सब डेटा साइंस, ये सब आपको ये सब इस डोमेन के भीतर आते हैं, राइट? तो ये जिसका भी रहता है डोमेन, मेरा खुद का डोमेन AI ये है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स। तो बेसिकली मैं कोरा वगैरह में भी वीडियोस देख रिव्यूज़ देखा हूँ, क्लासडोर में भी रिव्यूज़ देखा हूँ कि जिन लोगों का AI ये डोमेन रहता है उनको कॉग्निजेंट मैकबुक प्रोवाइड करता है। बट मेरा लक खराब था या मेरा किस्मत खराब था, कुछ भी समझ जाइए, बट मुझे कॉग्निजेंट मैकबुक प्रोवाइड नहीं किया था, वर्क फॉर वेलकम किट के हिसाब से मुझे प्रोवाइड किया गया था कॉग्निजेंट की तरफ से एक HP का एलिट बुक, जिसका मैं एक वीडियो बना के रखा था। उस वक्त मेरा चैनल का ग्रो काफ़ी कम था, तो उस वीडियो पे भी रीच बहुत कम था, तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, या फिर मेरे प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं, कॉग्निजेंट का वेलकम किट का जो वीडियो है, जो मुझे लैपटॉप प्रोवाइड किया था, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाया। तो देखिए, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कौन सा लैपटॉप प्रोवाइड किया जा रहा है, बट बेसिकली मैं जहाँ तक देखा हूँ मेजोरिटी स्टूडेंट्स जो लोग होते हैं उनको लिनोवो का थिंकपैड प्रोवाइड किया जाता है, या फिर कॉग्निजेंट में HP का एलीट बुक प्रोवाइड किया जाता है। बहुत कम एक्चुअली मेरे जो कोहोर्ट है, मेरा जो ग्रुप है, उसमें किसी को मैकबुक प्रोवाइड नहीं किया गया, सबको एलीट बुक या फिर आपको लिनोवो का थिंकपैड प्रोवाइड किया गया है, राइट? तो ये रहा लैपटॉप का बात। आपका ये डाउट होगा कि भैया हमें लैपटॉप के साथ क्या प्रोवाइड किया जाता है, तो लैपटॉप के साथ अब मुझे कुछ प्रोवाइड नहीं किया गया था, मुझे सिर्फ एक बैग प्रोवाइड किया गया था और एक माउस प्रोवाइड किया था, वो भी वायर वाला माउस, वायरलेस माउस नहीं था। बट कुछ लोगों को हेडफोन भी प्रोवाइड किया जाता है HP के तरफ से, और गुडीज़ वगैरह कुछ प्रोवाइड नहीं किया जाता है एज सच आपको वेलकम किट में, आपको कुछ प्रोवाइड नहीं किया जाता, सिर्फ बैग आपको प्रोवाइड किया जाता है, लैपटॉप आपको प्रोवाइड किया जाता है, आपको एक माउस प्रोवाइड किया जाता है, कुछ कुछ केसेस में आपको कीबोर्ड और माइक भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, और एक VGA एडाप्टर एक होता है, वो भी HDMI कनेक्टर, ये सब प्रोवाइड किया जाता है, कुछ एडाप्टर्स होते हैं, मुझे बेसिकली उसका नाम नहीं पता, तो वो एडाप्टर आपको प्रोवाइड किया जाता है।
बट ये डिपेंड करता है, अगर आपका लक अच्छा है तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, बट मेरे को सिर्फ लैपटॉप बैग और माउस प्रोवाइड किया गया था, राइट। तो काफ़ी बच्चे का ये डाउट होता है कि भैया क्या हमें ये सब रिटर्न करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली आपको ये रिटर्न करना पड़ेगा, ये आपका संपत्ति नहीं है, ये जब आप कंपनी लेफ्ट कीजिएगा तो आपको ये सबमिट करना होगा, तभी आपको रिलीविंग लेटर कंपनी प्रोवाइड करेगी, राइट। तो ये तो हो गया दो सेकेंड डाउट। काफ़ी बच्चे का ये डाउट होता है कि भैया क्या मैं ट्रेनिंग पीरियड में कंपनी से रिज़ाइन कर सकता हूँ, तो जी हाँ आप कंपनी से रिज़ाइन कर सकते हैं। मेरा जो कोहोर्ट का जो सीआर था, एक्चुअली देखिए क्या होता है कि कोहोर्ट में 50-60 बच्चे रहते हैं, तो क्या होता है कि जो मैनेजर रहती है वो एक दो को सीआर बना देती है, ऐसा मतलब बहुत काम नहीं रहता उन लोगों का। काम रहता है क्या जो डेली बेसिस पे मैनुअली जो अटेंडेंस लिया जाता है या फिर कुछ कम्युनिकेशंस प्रोवाइड करना, तो ये सब काम रहता है। तो मेरा जो सीआर था मेरे कोहोर्ट का, वो खुद रिज़ाइन किया था, आई डोंट नो क्या रीज़न था, बट वो खुद रिज़ाइन किया था, उसको कुछ नोटिस पीरियड वगैरह सर्व नहीं करना पड़ा था। तो वो ट्रेनिंग में था, ट्रेनिंग नहीं फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया था, उस वक्त हम लोग का ट्रेनिंग चल रहा था, तो उस वक्त वो रिज़ाइन किया था। तो देखिए अगर आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट आपका स्टार्ट हो चुका है, राइट, और आपको कोई प्रोजेक्ट एलोकेट नहीं हुआ, तो आप इजीली छोड़ सकते हैं, आपको कोई नोटिस पीरियड वगैरह सर्व नहीं करना पड़ता है। बट अगर आपको कोई प्रोजेक्ट में एलोकेट कर दिया गया है, तो उस बेसिस पे आपको नोटिस पीरियड जो भी कंपनी का नॉर्म्स है उसको आपको सर्व करना होगा, राइट। तो ये तो हो गया थर्ड डाउट, ये तो थर्ड डाउट। काफ़ी बच्चे का ये डाउट रहता है कि भैया क्या वर्क फ्रॉम होम को हम एक्सटेंड करा सकते हैं, तो ऑब्वियसली आप वर्क फ्रॉम होम को एक्सटेंड करा सकते हैं अगर आपके पास कोई जेन्युइन रीज़न है। तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, तो आप वो जाके देख सकते हैं कैसे आप वर्क फ्रॉम होम को एक्सटेंड करा सकते हैं, वो आप जाके जरूर देखिएगा, उसमें मैं ईच एंड एवरी कंप्लीट डिटेल्स बताया हूँ, राइट। तो एक्चुअली देखिए क्या होता है कि काफ़ी बच्चे एक ही चीज़ मुझे बार बार इंस्टाग्राम में मैसेज भेजते रहते हैं, तो मैं सोचा कि चलो इसके ऊपर एक वीडियो बना के आपको बता देता हूँ। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये देना चाहूँगा गाइस कि देखिए काफ़ी बच्चे मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज भेजते हैं, काफ़ी मैसेज भेजते हैं। मैं अगर आपको इंस्टाग्राम का टाइम दिखाऊं डेली टाइम स्पेंड, तो देख सकते हैं 10 मिनट से भी कम है, क्योंकि मेरे पास समय नहीं रहता। मैं सारा दिन ऑफिस का काम करता रहता हूं, उसके बाद घर का काम करना पड़ता है, उसके बाद यूट्यूब का वीडियोज़ वगैरह एडिट करना पड़ता है, तो मेरे पास समय नहीं रहता ये सोशल मीडियाज यूज़ करने का। तो इसलिए मैंने एक ग्रुप बनाया है टेलीग्राम पे, एक चैनल बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप क्या कीजिए, आप उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए और आप वहाँ पर डाउट सॉल्व कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि टेलीग्राम ग्रुप में मेरे से एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मैं सिर्फ आपको जवाब दूंगा। मैं वहाँ पे एक ऐसा फोरम बनाया हूँ कि जहाँ पे सब बच्चे आ सकते हैं, और जिनका डाउट है अगर किसी बच्चे को उसका आंसर पता है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसका आंसर दे दीजिएगा, ताकि उस बच्चे को ज़्यादा वेट करना ना पड़े, राइट। मुझे अगर समय मिलेगा तो मैं उस पर रिप्लाई देता हूँ, मैं उस पर एक्टिव भी रहता हूँ, मैं उस पर ईच एंड एवरी डे डेली बेसिस पर मैं रिप्लाई भी देता हूँ, बच्चों का डाउट क्लियर करता हूँ। बट मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूँगा, मोटिवेट करूँगा कि आप भी अगर आपको कुछ डाउट्स का आंसर पता है तो आप उसका रिप्लाई उसमें दे दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि अगर मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है डाउट क्लियर करने में, तो उससे पहले आप अगर दे दीजिएगा तो उस बच्चे को हेल्प होगी, राइट। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।